नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आपको हम बता दें, बिहार बोर्ड ने अपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक क्लास 10 हाई स्कूल का स्क्रूटनी और आरटीआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको जो है चालीस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार सरकार ने एक जो है नोटिस जारी करके बताया कि इस फॉर्म को जो है चालू कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट, मैं आपको नोटिस भी बढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ मांगी है, कहाँ से आपको इसका लिंक मिलेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित परीक्षार्थी यदि अपने किसी एक विषय या सभी विषयों के मिले अंक से संतुष्ट नहीं है, यानी आपको जितना मार्क्स मिला है चाहे तो पूरे सब्जेक्ट में हो या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, अगर आप उससे संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है तो आप संबंधित विषय में उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों मैं बता दूँ आपको 29 मई 2020 से 12 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगा। अगर आपको इसका जो स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है उसका ₹70 आपको जो शुल्क रखा है बिहार सरकार ने उसको आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा। दोस्तों लिंक के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको rozgarrizult.com को ओपन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे rozgarrizult.com बहुत ही ट्रस्टेबल, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बिहार बोर्ड का रिजल्ट का जो लिंक है, आपको इसी के अंदर जाना है, इसी के अंदर उसके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक वेबसाइट और बता दूँ जो बिहार की नंबर वन है, इंडिया की नंबर वन है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ sarkaririzult.com की। यहाँ दोस्तों एक चीज आपको हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ, सरकारी रिजल्ट जब भी लिखिए लास्ट में .com लगाइए, क्योंकि उसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई हैं। इसलिए अगर आपके मोबाइल लैपटॉप आसपास कहीं भी सरकारी रिजल्ट खुली तो .com जरूर चेक कीजिए, अगर नहीं लगा तो फेक और नकली वेबसाइट है, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ रिजल्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रिजल्ट के लिंक पे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों हमारा ये पेज है ओपन हो चुका है। आपको मैं दिखा दूँ उसमें जो इसका जो वहाँ पे आपने देखा था स्क्रूटनी का जो फॉर्म है 29 मई से लेकर 12 जून तक उपलब्ध है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको फॉर्म भरना है। ₹70 फीस है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया, उसका जो रिजल्ट वगैरह है वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कैसे चेक करना है। आपको सीधा देखिए सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स में आना है, इसमें देखिए दिया हुआ अप्लाई ऑनलाइन स्क्रूटनी ऑब्लिक आरटीआई, इस पर आपको क्लिक, हेयर का लिंक आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए वापस हम उसी पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको अपना रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है इस फॉर्मेट में, अपना नाम डालना है, स्टूडेंट का जो नाम है जो आपकी मार्कशीट में नाम हो वही डालिएगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम सिलेक्ट करना है, जिस भी यूजर नेम से आपको इन फ्यूचर लॉग इन करना हो उस यूजर नेम को आपको लॉग इन करना है, मतलब कि आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना एक जनरेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको वही कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना रहेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे देखिए लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल चुका है, वहाँ से कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ से दोस्तों ये लिंक जो है 29 मई से उपलब्ध होगा जो कि 12 जून तक उपलब्ध होगा जैसा कि आपने नोटिस में देखा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अप्लाई करने का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप sarkaririzult.com और rozgarrizult.com के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।